धन्यवाद करदा कि तुसी मेरी बेनती नूं प्रवान करके इत्थे हाजिर होए हो। और मैं दसना चाहांगा कि अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच केवल ते केवल मेरे नाल श्रोमणी अकाली दल दे विच जिहड़े तकरीबन 42 अहुदेदार श्रोमणी अकाली दल दे विच जलंधर शहरी दे विच जिन्हां कोल सीनियर मीत प्रधान जनरल सकत्तर मीत प्रधान जथेबंदर सकत्तर जॉइंट सकत्तर सारे दे कोल चिट्ठियां अपने अपने हाथ विच हैगियां तकरीबन 42 अहुदेदार। उस तो बाद इसत्री अकाली दल दे विच मेरी वाइफ जिहड़ी जथेबंदर पिछली बारी मीत प्रधान सी इसत्री अकाली दल पंजाब दी ते इस वार जो जथेबंदक सकत्तर इसत्री अकाली दल पंजाब वह बैठे है उन्हां दे नाल इसत्री अकाली दल दे स्टेट पद्धर दे और जिला पद्धर दे अहुदेदार साबका अहुदेदार लेडीज सारियां इत्थे बैठियां। और अज की जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस है उहदा मुख मुद्दा जिहड़ा हलका सेंटर दे विच कल हलका इंचार्ज लगाया गया केवल तो केवल मैं उस मुद्दे नूं अज केंद्रित किया। और मैं बेनती करदा कि जिहड़े भी सवाल तुसीं करोगे मैं उहदा बड़ी हलीमी नाल बड़ी निम्रता दे नाल तुहानूं जवाब देने लई वचनबद्ध हां। लेकिन कृपा करके पहले मेरा जो टोटल अज दे मुद्दे हन उहनां नूं जरूर सुनिया जाए मेरी हंबल रिक्वेस्ट है। तो कृपा करके जिन्हें भी साथी है जिन्हों के मन के कोई बलबला है कृपा करके बिच कोई ना बोले क्योंकि हर गल जी मैं अपने ढंग के नाल एक्सप्लेन कर दूंगा। धन्यवाद करता डैडी थोड़ी लैटर भी हैगी है तुम इधर आ जाओ हरप्रीत गांधी जी जेडे जथेबंदक सकत्तर ने अकाली जथे जलंधर शहरी के द्वारा दोहरा रहे हैं कि मेरे नाल अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस के 42 जिला पद्धर के अहुदेदार पीएसी मैंबर स्टेट का मैं खुद मेरी वाइफ बतौर जथेबंदक सकत्तर इसत्री अकाली दल एज काउंसलर ते उहदे नाल लेडीज़ की जिहड़ी टीम है वह इत्थे बैठी है। तो मैं हुण अज दे जो अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस उहदे बारे जिक्र करन जा रहा कृपा करके मेरी हंबल रिक्वेस्ट है कि मेरे विचार ले जाण सुने जाण। साथियों मैं श्रोमणी अकाली दल के नाल लगातार 1987 तो लैके अज तक पूरी वफादारी नाल पूरी तनदेही दे नाल पूरी इमानदारी दे नाल पूरी शिद्दत दे नाल और पार्टी दे खातर बहुत सारिया कुर्बानियां मैं पार्टी दे विच कीतियां होईयां उसी मीडिया वाले काफ़ी हद तक जाणू और पार्टी नूं हर गल दा पता है मेरी कारगुजारी दा मेरी शहर के प्रति सेवा का यह सारा कुछ शहर के प्रति जो मेरी सेवावां हन वह पार्टी नूं इन बिन सारा कुछ याद आ। और मैं इत्थे दसना चाहूँगा कि लगातार 1997 तो लैके अज तक बतौर काउंसलर असी 5 बार सेवा की है और 2 बार जलंधर शहर के बतौर सीनियर डिप्टी मेयर के तौर पर सेवा की है। अज मेरी वाइफ जसपाल कौर भाटिया एज काउंसलर जो पार्टी की टिकट के उत्ते हलका वैस के इकली सीट जीती और बड़ा बड़ा एक माण प्राप्त होया कि हलका वैस के जिते श्रोमणी अकाली दल के सारे वीरवार आ गए उत्थे जसपाल कौर भाटिया ने वड्डी लीड के नाल जित प्राप्त की। यह सारा दिता हुआ प्यार जनता का है यह सारा दिता हुआ प्यार साथ मेरे साथियों का है यह सारा दिता हुआ आशीर्वाद उन्होंने लोगों का है जिन्होंने सानू बतौर नुमाइंदे सेवा दी है। और वह सेवा मैं बाखूबी भावें वो खातर मैं कई बार कोर्ट का सामना भी करना पाया कई केसा के मैं इनवॉल्व होया जिद गंदगी का ढेर लगाने सिटे जाने उन्होंने रोकने की खातर कारपोरेशन के जनता के नाल किसी गल से धक्का किया गया मैं उत्थे स्टैंड होया। जलंधर शहर के जे किसी भी नागरिक के उत्ते धक्का होया इनजस्टिस होया मैं उत्थे खड़ा होया। यह सारिया सेवावान तुम भलीभाल जाणूओ और मीडिया के आम तौर से खबर लगदिया रही। अज इस गल का बहुत दुख है कि लगातार 37 साल पार्टी के मैं सीनियर मोस्ट के तौर पर सेवा कर रहा 37 साल 1987 तो लैके तो अज तक मैं कभी पार्टी नहीं बदली कभी सिद्धांत नहीं बदलिया कभी लोगों की सेवा नहीं छी
ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਨਿਓਰਟੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 75% ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਕੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 2 BSP ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਰਥ ਆ ਉਹ BSP ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 2 ਸੀਟਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ BSP ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ 3 ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਚੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲਾਲ ਔਰ ਦੁੱਖ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਟ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਟਿਕਟ ਦਈਓ, ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਨਾ ਵਧੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜੇ ਨੌਰਥ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਰਥ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੰਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਖੱਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਝੇਲੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਝੇਲੇ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ
मेरा बेटा भी शहीद हो गया सीगा। पर मैं इस गल का बहुत दुख है कि पार्टी ने मैनू सेवा का थापड़ा तो की देना सी, बिल्कुल मेरिया सेवावान अणगोले करके, मेरे हक अणगोले करके वह सेवावान अखो परोके करता है। और अज का जोड़ा मीडिया साहब के सामने मैं एक गल जरूर पार्टी को कहनी चाहवागा, दो हाथ जोड़ के बेनती करदा कि प्रधान साहब, साडे पार्टी के ऑबजरवर साहब, साडी पार्टी की सीनियर लीडरशिप एक हफ्ते के इस गल के उत्ते पुनर्विचार करे, जिहदा हक जिथे बनता उन्हूं उत्थे दे। चंदन जी का जिथे हक बनता है, जे कोई रिजर्व सीट दे उन्होंने खाते आती है, मैं फिर दोहराना उन्होंने जरूर दी जाए। पर जिहड़ा इको एक बचती सीट जिहड़ी है सेंटर हलका, वह किसी भी कीमत के उत्ते वह रिजर्व खाते ना दी जाए। एक मेरी हंबल रिक्वेस्ट यह है, अज मेरे नाल मैं दोबारा दोहराना जलंधर शहर के 42 अकाली दल के सीनियर अहुदेदार जिहड़े अपने चिट्ठियां समेत इत्थे आए ने, आ तुसीं देख लो सारे अपने चिट्ठियां समेत इत्थे आए ने, और मेरे नाल चट्टान वांगू खड़े ने। इन्होंने मैनूं इस गल का भरोसा दवाया कि जो भी फैसला मैं लवांगा वो मैं ये सारे मेरे साथी बतौर मेरे पुराने साथी, बतौर एक अहुदेदार, बतौर पार्टी के सेवादार, ये मेरे नाल चट्टान वांगू खड़े ने। और दूजी गल है, इसत्री अकाली दल तुसीं देख रहे हो, मेरी वाइफ जिहड़ी है वह इसत्री अकाली दल की स्टेट की जिथे जथेबंधक सकत्र है, पिछली बारी वाइस प्रधान से, उसके नाल इसत्री अकाली दल के जिन्या भी लेडीज़ बैठी पिछे तुसीं देख लो, ये 75% लेडीज़ जिहड़ियां पार्टी दियां ऑफिस बेरर ने। और अज जिहड़ा मैं टोटल जिहड़ा मैं कोई प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच कोई जत्था नहीं कट्ठी कीती, केवल तो केवल पार्टी के अहुदेदार जिहड़े लंबे समय तो पार्टी के सेवावान निभा रहे ने, वह व्यक्ति अज आए ने। उन्होंने एसोसीएशन बाजारों दी एसोसीएशन जिदा चौंक कादे शाह प्रधान हरजीत सिंह कालड़ा जी भी बैठे ने, सरदार चरणजीत सिंह मक्कड़ जी, जनरल सैकटरी होलसेल मर्चेंट एसोसीएशन, और गुरद्वारा सेंटर टोल के साबका जनरल सकत्र सरदार तजिंदर सिंह भाटिया जी, हाँ जी भाई पन्नो जी गुरद्वारा के प्रधान भी ने, और बहुत सारिया होर संस्थावां जिहड़े जिन्हां दा तुहानूं मैं नाल नाल जिक्र करांगा। नकोदर रोड एसोसीएशन, मंदिर कमेटियां, गुरद्वारा कमेटियां, ये सारे अहुदेदार सभान मेरे नाल चट्टान वांगू खड़े ने। और मैनू माण आ कि यह हर औखे समय जिदा मैं पार्टी की सेवा की थी, मेरे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा मिला के इन्होंने पार्टी की सेवा की थी। और दोबारा मैं अंत के एक बेनती करनी चाहवागा पार्टी ने दोबारा दोहरा के कि मेरी दो हाथ जोड़ के बेनती है, मेरे नाल बेइंसाफी ना करो। बेइंसाफी का नतीजा जिहड़ा पार्टी का नुकसान हुंदा, बेइंसाफी के नाल दिल उत्ते 7 बजे की पार्टी के वर्क करना औखा हो जाता है। बेइंसाफी के नाल जिथे मेरे मन के रोस है, मेरे साथियों के मन के रोस है, बेइंसाफी के नाल जिथे पार्टी छा गिरेगी, उत्थे जिहड़ा जनरल सेंटर का हलका उहदे विच जिहड़े वोटर आ वह भी वोटा पहले भंबर गुस्से पैणगे। मैं नहीं चाहता कि पार्टी का नुकसान होए, इस करके अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हंबल रिक्वेस्ट है। और नाल दे नाल पार्टी ने एक जरूर बेनती करांगा कि इहदा जल्दी पुनर्विचार करके, गुरु नवी दा समंदर कमेटियां भी इत्थे बैठियां, मेरे बहुत सत्कारयोग अशोक जरेवाल जी गुरु नवी दा समंदर कमेटी के प्रधान ने, जनरल सकत्र उन्होंने नाल रविंद्र रत्री जी चेयरमैन साहब, सत्कारयोग भजला जी, और बहुत सारिया संस्थावां, क्योंकि अज केवल तो केवल मैं पार्टी के अहुदेदारां नूं तकलीफ दित्ती सी, वह मेरे नाल आए ने। साडी शॉप पीपर एसोसीएशन मेन बाजार बस्ती गुजां उहदे प्रधान साहब, उहदे प्रधान के तौर पर मैं खुद, मेरे नाल सारी उत्थे दी कमेटी, वक् वक् संस्थावां, नकोदर रोड एसोसीएशन, और जो अटारी बाजार होलसेल एसोसीएशन, बाकी संस्थावां जिहड़ियां आईआं, और इहदे नाल सर्कल नंबर 5 दे प्रधान महिंदरपाल निक्का जी जिहड़े अकाली दल दे प्रधान ने, और यूथ विंग दे जिहड़े सर्कल प्रधान ने रणदीप सिंह राणा जी, वह भी अपने साथियों के नाल आए ने। अज दी प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच मैं केवल तो केवल पार्टी के उन्होंने अहुदेदार जिहड़े इस गल तो दुखित होए ने, जिहड़े इस गल तो पीड़ित होए ने, जिन्होंने इस गल की ठेस पहुँची है, जिन्होंने मैं आप फोन करके कहा कि असीं तुहाडे नाल खड़े हाँ, अज दी प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच केवल तो केवल वो साथी मेरे शामिल ने। बाद च पार्टी नूं मैं दोबारा हंबल रिक्वेस्ट करदा कि इहदा ठीक ढंग के नाल फैसला लिया जाए, पूर्ण विचार किया जाए, नहीं तो मैं मजबूरन जनता की अदालत के जाना पेगा, जिहड़ा कि अज मैं जनता की अदालत के नहीं गया, केवल तो केवल अपने साथियों के नाल खड़ा हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बेनती है जी पटवारी भुपिंदर सिंह लक्की जी पार्टी के अहुदेदार ने कृपा करके तुहाडी लैटर इधर ही है तुसीं भी आयो। बेनती है वारिस जी मैं बार बार दोहरा रहा हलका इंचार्ज आम तौर पर उही लगाए जाते हैं जिन्होंने अगर पार्टी ने जिदा तुम पिछली रवायत देख लो मकड़ साहब नूं लाया कपूरथले लाता उस तो बाद कैंट लाता इस तरह बाकी हलका इंचार्ज लाए तो जे हलका इंचार्ज भी लगाया जाना सी तो उसके भी मेरी सेवाबंदी सी मेरी सहयोगी उस क्यों विरोध की गई। मैं इस गल इस गल का रोस मेरे मन के है कि सहयोगी कभी भी इग्नोर नहीं होनी चाहिए। मैं कभी पार्टी नहीं बदली माणयोग चंद्र जी आप जाए चलो लहर देख के हो गए कांग्रेस भी पै